जी हाँ स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ NIOS के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है अपना अप्रैल 2023 के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न है, तो एक एक करके मैं उनके कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर कर रहा हूँ। अगर आप भी हो वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्रैल 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए ताकि जो है आपको सारे डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ TMA की, यानी कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट की। दो चीज़ें इसमें बता देता हूँ। एक तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हमारे सारे सब्जेक्ट के TMA सबमिट होने हैं या कुछ सब्जेक्ट के होने हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ, जी हाँ, आपके हर एक सब्जेक्ट के TMA सबमिट होते हैं। लेकिन इस बार अप्रैल 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक वोकेशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसका TMA अभी तक NIOS ने रिलीज नहीं किया है। उसका TMA छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के आपको TMA सबमिट करने हैं। TMA सबमिट करने के लिए जब आप ऑनलाइन जा रहे हैं, अपना लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी गई है कि जब आप अपने सब्जेक्ट को लेकर, कोई सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हैं उसमें मीडियम चूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो TMA को डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं भी सरप्राइज रह गया ये देख के कि जब हमने TMA को डाउनलोड किया तो वो TMA 2023 सेशन का ना होके 2022 सेशन का डाउनलोड हो गया। तो इस चीज़ को गलती पता नहीं NIOS कैसे कर रहा है, ये किसी एक पोर्टल में है या बहुत सारे स्टूडेंट के पोर्टल में निकल के आ रही है। तो आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखिए, अगर आप 2023 के TMA सबमिट करने जा रहे हैं और आप डाउनलोड अपने डैशबोर्ड से कर रहे हैं, तो उसके नीचे बिल्कुल बॉटम में TMA का देखिएगा एक डेट दिया होगा, अगर वो डेट है 2021-22 तो फिर ये TMA 2023 वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर उस बॉटम में लिखा है कि 2022-23 तो वो TMA हैं जो आपको जो है सबमिट कराने हैं। क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चंस के आंसर लेके सबमिट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई आपको NIOS उसमें इन्फॉर्म भी नहीं करेगा, लेकिन जब टीचर्स के पास स्टडी सेंटर में वो जाएगा तो उसमें जो है अलग ही क्वेश्चंस आपके होंगे और जिसमें हो सकता है कि आपको मार्क्स भी ना दिए जाए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए या तो TMA को सही तरीके से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, हम आपको उनके क्वेश्चंस दे देंगे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम है, तो हमारे पास सॉल्व TMA भी उपलब्ध है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन करने का भी टाइम नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑनलाइन सबमिट करने का टाइम नहीं है, TMA बनाने का टाइम नहीं है, तो वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से TMA सबमिट हो सकते हैं। तो ये तो थे स्टूडेंट TMA को लेकर बात। अगली बात मैं आता हूँ एग्जामिनेशन फीस को लेकर। एग्जामिनेशन फीस को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, सभी स्टूडेंट को विदाउट लेट फीस 10 जनवरी तक आप जो है इसको सबमिट करा सकते हो। अगर आप 10 जनवरी तक इसे सबमिट करा देते हैं तो कोई भी लेट फीस आपको नहीं देनी है। लेकिन अगर आप 10 जनवरी तक अपनी जो है एग्ज़ाम फीस नहीं देते हो, तो 10 जनवरी से लेकर आगे आपका 17 जनवरी तक आपको 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लेट फीस सबमिट करना होगा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि वो 17 जनवरी तक भी ना करा पाए, तो ऐसे स्टूडेंट 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी जो लास्ट हफ्ता होगा उसमें 1500 रुपये की लेट फीस, कॉन्सुलेटेड फीस देकर आप अपने जो है एग्जामिनेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं। तीसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स को लेकर। यहाँ पे भी दोबारा से वही क्वेश्चन अराइज होता है नए स्टूडेंट्स का कि सर क्या प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट के होते हैं। तो जी नहीं, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, कुछ एकमात्र सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन मोस्टली ये पाया गया है कि जब आप लोग अप्लाई करते हो तो उसमें 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल ज़रूर आते हैं। तो जिन भी सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल हैं उनकी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। वो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने इंस्टामोजा स्टोर का अपना लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप जो है हमारे सॉल्व PDF फाइल यानी कि सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप उसे बना सकते हैं। कई लोगों के पास अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है प्रैक्टिकल फाइल बनाने का, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं प्रैक्टिकल फाइल को बनाने में। और ये तीनों ही जानकारी बहुत ज़रूरी है आपको समझना, चाहे वो TMA से रिलेटेड है, चाहे आपके एग्जामिनेशन फीस से रिलेटेड है, या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है। जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो है फैब के एंड में या मार्च में एक हॉल टिकट रिलीज होगा, जो कि आपका जनवरी का मार्च में थ्योरी देने के लिए, और जो है उससे पहले जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसका हॉल टिकट आएगा, और फिर आप जो है अप्रैल और मई में थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे,
जून तक इसका रिजल्ट आएगा, जुलाई अगस्त तक आपको इसकी मार्कशीट मिल जाएगी। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा भी कोई भी और आपके साथ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और शुक्रिया करता हूँ उन स्टूडेंट्स का, उन व्यूवर्स का जो हमारे वीडियो में बिना बोले लाइक करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो जो है ऐसे स्टूडेंट हैं जो गुरु को दक्षिणा के रूप में जो है एक लाइक देते हैं, क्योंकि जो आपकी लाइक है वही हमारी दक्षिणा है। उसे ज़रूर दीजिएगा और मन से दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।